हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन. सो दिस इज तृप्ति एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय ब्यूटीफुल चैनल एनपीसी, वेयर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फिजिक्स. एंड आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके, एंड वी विल कवर ऑल्सो द सिंपल सा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं. एंड लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ पर डिस्कशन किया था. इफ यू हैव मिस दैट वीडियो देन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट के वीडियो लेक्चर्स की लिंक गिवन है, आप लिंक पर क्लिक करके इजिली वीडियो को देख सकते हैं. ओके, एंड साथ ही साथ इसके नोट्स, जो भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उन सभी के नोट्स हम टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड करेंगे और उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये नोट्स हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट टूडेज क्लास, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके, लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कशन किया था. सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स, एक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, और वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, मीन्स अगर किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया है तो वो बॉडी भी आप पर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी. ठीक है, सो इंटरनली अगर आप बात करें तो थर्ड लॉ जो रिलेट करता है किसी भी बॉडी में फोर्स के एग्जिस्टेंस पे, वो इंटरनली है. ठीक है, मीन्स सिंपली अगर आप कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये नहीं है कि रेस्ट में उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा. फोर्स लग रहा है, बट इंटरनली जो भी फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण कैंसिल आउट हो रहे हैं. इसीलिए अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के, वो देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर. हमेशा फोर्सेस पेयर में रहते हैं. ठीक है, सिंगली फोर्स नहीं इंक्लूड होते हैं, हमेशा फोर्स किस में होते हैं, पेयर्स में. एंड सेकेंड पॉइंट इज देर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी फोर्सेस ले रहे हैं वो सेम नेचर के होना चाहिए. ठीक है, मीन्स या अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हैं तो सभी जो भी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं वो ग्रेविटेशनल ही होना चाहिए. एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये नहीं होना चाहिए, सेम नेचर के फोर्सेस होने चाहिए. एंड थर्ड इज एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज. ठीक है, मीन्स अगर फोर्स एक बॉडी पर लग रहा है तो अदर फोर्स अदर बॉडी पर लगेगा. ठीक है, सेम बॉडी पर फोर्स नहीं लगेगा. ये जो थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है न्यूटन्स थर्ड लॉ के, इन्हीं पर बेसिस है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, वो जो कि हम आगे की स्लाइड में देखते हैं, बट अभी हम न्यूटन्स थर्ड लॉ में सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. हमने कहा कि हमारे पास टू बॉडीज हैं, ए एंड बी. ठीक है, फोर्स हमने बॉडी ए पर लगाया ड्यू टू बी, एंड अगेन ऑपोजिट फोर्स लगाया ऑन बी ड्यू टू ए. तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, फोर्सेस तो इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा. ठीक है, एफ ए बी शोज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. ठीक है, एंड एफ बी ए शोज फोर्स ऑन बी बाय ए. ठीक है, मीन्स ए के द्वारा बी पर फोर्स, यहाँ ए के बी के द्वारा ए पर फोर्स. और ये फोर्सेस क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे बट डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे, इसीलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया. ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है, दिस शोज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नाउ वी विल डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेंस कॉन्स्टेंट और कंजर्व. ठीक है, मीन्स अगर आप कोई सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है, हम एक बॉडी या दो बॉडी या थ्री बॉडीज लेते हैं तो उन बॉडीज को इक्वल करके, ठीक है, उन बॉडीज को, सभी बॉडीज को कंसिडर करके हमने एक सिस्टम कंसिडर कर लिया. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा किसी सिस्टम के लिए ही दिया जाता है, ओनली वन बॉडी के लिए नहीं. तो हमने क्या किया, हमारे पास टू बॉडीज हैं ए एंड बी. ठीक है, और उन बॉडीज का एक हमने सिस्टम कंसिडर कर लिया, और सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है. ठीक है, मीन्स उसका जो मोमेंटम है वो एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण चेंज नहीं हो रहा है. ओके, सो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा है एफ एक्सटर्नल मीन्स फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, दिस इंप्लाइज दैट चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, और वी कैन से
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, हमने ये पढ़ा है। अब यहाँ अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दें, देन क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, इट मीन्स मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा। मोमेंटम क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा, मीन्स इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो ये एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सिंपल सा केस है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ओके, अब बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। ठीक है, एग्जांपल है आपका, बुलेट से आपको फायर करनी है गन, तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे वर्क करेगा, आइए देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक गन है। ओके, अब गन में बुलेट है, गन के थ्रू बुलेट क्या होगी? फायर होगी। सो हमने क्या सपोज किया कि गन एंड बुलेट, ये आपके पास एक सिस्टम हो गया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कंडीशन होगी, एक सिस्टम होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो सिस्टम है गन एंड बुलेट का, ये आइसोलेटेड। ठीक है, मीन्स यहाँ पर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, हम अभी ये कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने गन एंड बुलेट का एक सिस्टम कंसिडर कर लिया। अब गन जो है वो बुलेट पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, गन बुलेट पर फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, एंड बुलेट गन पर फोर्स लगाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ जी बी। ठीक है, मीन्स हम मान लेते हैं कि बुलेट ने जब गन पर फोर्स लगाया, तो हम उससे कंसिडर कर लेते हैं फोर्स ऑन बुलेट बाय गन। ठीक है, एंड जब गन बुलेट पर फोर्स लगाएगी, देन एफ फोर्स ऑन गन बाय बुलेट। ठीक है, इस तरह से ये दोनों इक्वल होंगे, फोर्सेस इक्वल होंगे बट ऑपोजिट होंगे, तो यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ वर्क करेगा। ओके, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पर जीरो है। ठीक है, मीन्स ये जो सिस्टम है वो कंजर्वड है या आइसोलेटेड है। यहाँ पर जो मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, मीन्स इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट कर दिया। अब इनिशियल मोमेंटम मीन्स इनिशियली तो गन एंड बुलेट दोनों रेस्ट में हैं, तो इनिशियल मोमेंटम तो आपका क्या हो जाएगा? जीरो। बट फाइनल मोमेंटम क्या होगा? जब बुलेट के थ्रू गन फायर होगी, देन बुलेट और गन दोनों का क्या हो जाएगा आपके पास? मोमेंटम। ठीक है, बुलेट का भी और गन का भी। तो हम सपोज कर लेते हैं बुलेट का मोमेंटम है एम वी। ठीक है, मीन्स बुलेट का मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम है कैपिटल एम इंटू वी। ओके, एंड गन का मोमेंटम है एम इंटू वी, स्मॉल एम कंसिडर कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पर टोटल ये क्या हुआ? टोटल मोमेंटम बुलेट प्लस गन, सो एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी हुआ। ठीक है, मीन्स जो मोमेंटम है, मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नेगेटिव साइन शोज द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से इस एग्जांपल से आपको क्लियर होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका टोटल मोमेंटम कंजर्वड रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है गन एंड बुलेट का। ओके, गन एंड बुलेट ये पूरा आपने एक सिस्टम कंसिडर कर लिया। अभी सिस्टम को आप आइसोलेटेड बोल रहे हैं, मीन्स इसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, इट मीन्स चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा एंड मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, सो फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि इस एग्जाम्पल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वर्क करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद NPC, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।